गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण में अपान को हवन करते हैं, बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयमाग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन यज्ञ है, मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकालकर रटने पर भी क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं? वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, घर दुकान जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, गाय भैंस यंत्र उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलती है। ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियां परंपराएं पूजा पद्धतियां भी विरासत में मिल जाती हैं। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे, विश्व में उनके अनगिनत रूप हैं। शिशु ज्यों ज्यों बड़ा होता है अपने माता पिता भाई बहन पास पड़ोस में इनकी पूजा देखता है, परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है, परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है, कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है, उन्हें वो छोड़ नहीं सकता। ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वो उसे नहीं समझ सकता। पैतृक संपदा को कदाचित वो छोड़ भी सकता है किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को नहीं मिटा सकता। पैतृक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। आप सिर काटकर अलग तो नहीं रख सकते, अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ियों रीति रिवाजों मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढालकर देखना चाहते हैं। यदि उनके अनुरूप बात ढलती है, वार्ता का क्रम बैठता है तो आप उसे सही मानते हैं और नहीं ढलती तो गलत मानते हैं। इसीलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते। गीता का रहस्य रहस्य ही बनकर रह जाता है। इसके वास्तविक पारखी संत अथवा सद्गुरु हैं, वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है। सब नहीं जान सकते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के सान्निध्य में समझें जिसके लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है। गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति जाति वर्ग पंथ देशकाल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है। ये प्रत्येक देश प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए सबके लिए है। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान्वेषियों के लिए यह आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा की जानकारी। परमात्मा न संस्कृत में है
न संहिताओं में। पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है। वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे। उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए, बोले, आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले, आज से तुम राजर्षि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान ना हुआ, वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा दैवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि कहें। ब्रह्मा ने कहा, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्मर्षि हूं तो वेद हमारा वरण करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया। यही वेद है, न कि पोथी। जहां विश्वामित्र रहते थे वहां वेद रहता था। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वह वेदवित है। अर्जुन, मैं भी वेदवित हूं। अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष अपौरुषेय होते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक अर्थात ट्रांसमीटर हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसने क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपौरुषेय स्थिति को पाया हो। जिसका पुरुष अर्थात अहं परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वस्तुतः वेद अपौरुषेय है, किंतु बोलने वाले 100-150 महापुरुष ही थे। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है। किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं। महापुरुष के नाम पर जनता उनका भी पालन करने लगती है, यद्यपि धर्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं रहता। आधुनिक युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं, जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुष की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तत्सामयिक ही होता है। वेदों के संबंध में भी यही है। वेद के दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड समाज शास्त्र है, जैसे वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद इत्यादि। ज्ञानकांड उपनिषद हैं। उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है। सारांशत गीता अपौरुषेय परमात्मा से समुद्भूत
उपनिषद सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उसकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो शास्त्र कहलाता है।